हेलो दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कॉर्नर हाउस प्लान के डिजाइन के बारे में, जो कि ईस्ट और नॉर्थ की तरफ रोड का अप्रोच रहने वाला है। इस प्लॉट का प्लॉट की साइज 26 फीट बाय 41 फीट है, जिसमें हमें 23 फीट बाय 38 फीट का यूज किया हुआ है। इसमें 2 BHK का डिजाइन किया हुआ है, साथ में आपको कार पार्किंग के लिए भी जगह मिल जाती है। तो दोस्तों, सेम साइज के हमने और भी नक्शे अपलोड किए हुए, अगर आपको देखना है तो उसका लिंक हमने ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको और व्यू दिखा देता हूँ किस तरह हमने डिजाइन किया हुआ है, देन उसके बाद पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं वास्तु के हिसाब से और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे हमने 2 BHK का डिजाइन किया हुआ है। तो सामने की तरफ मतलब पूरब की तरफ 4 फीट वाइड का गेट दिया हुआ है और नॉर्थ की तरफ हमने 9 फीट वाइड का गेट यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। देन यहाँ पे आपको पार्किंग देखने को मिलती है, 13 फीट उसकी चौड़ाई रहेगी, लंबाई उसकी 10 फीट रहने वाली है। इसकी पार्किंग हमने नॉर्थ की तरफ से दी हुई है। देन सामने की तरफ 3 फीट का हमने सेटबैक दिया हुआ है गार्डनिंग के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन डेयर को अप्रोच यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि ईस्ट फेसिंग रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉइंग वॉल डिजाइन किया गया है 14 फीट 5 इंच बाय 17 फीट 2 इंच का। इसमें यहाँ पे आपकी सीढ़ियां रहने वाली है, सीढ़ियों की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, इस तरह घूम के ऊपर की मंजिल पे जा सकते हैं। तो आप इसे डुप्लेक्स हाउस प्लान का डिजाइन कह सकते हैं। तो इसमें सीटिंग का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो बताई हुई है और यहाँ पे एक विंडो हमने डिजाइन की हुई है। देन उसके बाद साउथ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पे किचन डिजाइन किया गया है, 8 फीट 2 इंच बाय 10 फीट का रहेगा। किचन का वर्किंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे रहने वाला है और पूजा रूम के लिए हमने सेपरेट यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है 3 फीट बाय 5 फीट का। देन उसके बाद यहाँ पे सेपरेट हमने WC और बाथरूम डिजाइन किया हुआ है। WC की साइज 3 फीट बाय 4 फीट रहेगी, बाथरूम की साइज 4 फीट बाय 6 फीट 8 इंच रहने वाली है। इसकी ओपनिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक OTH दिया गया है, क्योंकि साउथ की तरफ दूसरे के मकान बन चुके हैं। तो OTH की साइज 3 फीट 9 इंच में 2 फीट 6 इंच रहने वाली, इससे WC बाथरूम और टॉयलेट को वेंटिलेशन मिल जाता है। देन उसके बाद बैक साइड आप देख सकते हैं, 2 बेडरूम हमने डिजाइन किए हुए हैं, दोनों की साइज सेम ही रहने वाली है, 10 फीट 7 इंच बाय 12 फीट रहेगी। इसमें बेड का प्रोविजन यहाँ पे हमने बताया हुआ है और इस वाले बेडरूम को अटैच टॉयलेट यहाँ पे हमने डिजाइन किया हुआ है। टॉयलेट की साइज 7 फीट 1 इंच बाय 4 फीट रहने वाली है और इस वाले बेडरूम की आप ओपनिंग यहाँ से आप देख सकती है, जो कि अपने ड्रॉइंग हॉल को ही कनेक्टेड रहने वाली है। तो दोस्तों, इस तरह हमने डिजाइन किया था 2 BHK का उस प्लान 26 फीट बाय 41 फीट में, 1000 स्क्वायर फीट में आप इसे कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।